बड़ा मजा आया। उसके पास हाथ पैर आके जाके ढूंढो। पहला अपना वड़ा चले गया तेल के अंदर। आंटी 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 चली गई। ब्राउन मुंडे चैनल गाइस। तो आप सभी को पता है कि आज बहुत बारिश हो रही है, लाइक हद से ज्यादा बारिश हो रही है। तो फिर ना कुछ मेरा रील्स बनाने का मन नहीं कर रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं ना कुछ अच्छा बना के खाऊं और उन लोग से भी, लेकिन उन लोग से भी पूछ लूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊं और क्या खिलाऊं। मैं उन लोग से ही पूछती हूँ, चलो पूछते हैं। ओ सब भार, ओ यहाँ तो फुल सेटअप लग रहा है गाइस। हाय निधि, मुझे तो आए थे। हाय मुस्कान, हाय संजय। सुनो ना गाइस, यार मेरा ना आज कुछ खाने का मन कर रहा है और बारिश का मौसम है, तो बताओ कि क्या बनाएंगे। पहले तू बता। पानी पूरी, चाय बना। चाय? हाँ चाय तो बनेगी। हाँ तो पहले कॉफी बनेगी। समोसा पूछूंगी कि क्या क्या सामान है। नहीं है, जो जो सामान मुझे पता है उसका नहीं पूछूंगी, जो मुझे लगता है नहीं होगा उसका पूछ लेती हूँ। बिकॉज बाकी ऑलमोस्ट चीजें तो है घर पे, लेकिन जैसे चटनी का सामान इतने, तो वो मुझे मम्मी से पूछना पड़ेगा। तो मम्मी भी आ गई। मम्मी सुनो ना, वड़ा पाव बनाना है, आप खाओगी? मम्मी समोसा पाव। मम्मी देखो, तीन लोगों ने वड़ा पाव बोला, एक ने समोसा पाव बोला, तो समोसा पाव नहीं बनाना चाहिए ना। कल समोसा। मम्मी अच्छा ठीक है। मम्मी सुनो ना, मेरे को ये पूछना था कि हमारे पास आलू वालू तो है, लेकिन उसके पास हाथ पैर आके जाके ढूंढो। नहीं आप, आप कड़ी पत्ता और पुदीना है? सब है, सब है। और खोपरा? खोपरा सब 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 है। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं चटनी बना लेती हूँ, तब तक फिर हम लोग मिलके वड़ा बना लेंगे। वड़ा पाव खाएंगे। हाँ मैं चटनी बनाती हूँ। मैंने आधा काम तो कर दिया कि मैंने आलू उबाल लिए, मैंने हरी चटनी बना दी, लाल चटनी बना दी। लाल चटनी का तो मैंने सामान बता दिया था, हरी चटनी के टाइम में भूल गई, बिकॉज मैं रील्स बनाने में इतनी इंटरेस्टेड थी कि मैंने जल्दी जल्दी चटनी बना ली और मैं बताना भूल गई कि क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो हरी चटनी कोई भी बना लेता है। तो अभी मैं जाती हूँ ये सारा सामान लेके बाहर। चटनी तो मैं फ्रिज में रख दूंगी, सिर्फ आलू लेके जाती हूँ। आलू को छीलते हैं मत। इससे मुझे बोला था कि आलू छीलने में मेरी हेल्प करेगी और ये वीडियो बनाने में भी। तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें खल्लड़ में कूटने के लिए। वैसे आई वो किसे खल्लड़ी बोलते हैं, क्योंकि मेरे घर में तो खल्लड़ी बोलते हैं। आई डोंट नो आपके घर में क्या बोलते हैं। सुनो ना दीदी, मैं चार पाँच तीन दाल लेट का लेट बनाते आया हूँ, कितना टाइम लगे था? बस 10 मिनट और जल्दी बन जाएगी यार। लेकिन मैं क्या करूँ, कोई हेल्प नहीं कर रहा ना। तो तुम ही तो बोले तो कौन क्या खाया था, तो हमने बोल दिया वाला बहुत आएंगे। हेल्प तो मैं बोलो त्याल हेल्प करूँ, मैं हूँ ना। क्या मैं खाने में हेल्प कर रहा हूँ ना, अब बनाओ। मैं खाऊंगा ना, मैं पेट भरते था ना। बोलो बुला ले, मैं लील बनाते आता हूँ तेरे। बाय। तो यहाँ पे तो मुझे बुला ला था। हाँ बुला लेते, तू बुला लेते। वाओ स्मेल तो एकदम आलू के जैसी आ रही है। आलू मम्मी पाव बहुत बड़ा बड़ा है। मम्मी बड़े बड़े मम्मी। अरे मम्मी खाने दो, जल्दी बनाओ। एक मेरे अंदाजे से 1-2-3 इसमें पता कितने बनेंगे, 15 तक बन जाएंगे, है ना। अच्छा सिमरन इधर है। मम्मी से पूछते कहती कि बेसन ही है ना। ओ आपको ये भी नहीं मालूम ये बेसन है? मेरे को मालूम है लेकिन मैं कंफ्यूज। दीदी सुनो ना, मैं एक बार लास्ट रील्स बना के आ रहा हूँ, ये लोगों फिर तब तक बन जाएगा ना। पक्का 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 पक्का। दीदी पहला अपना वड़ा चले गया तेल के अंदर। ओ ये बहुत अच्छा है। यहाँ फाइनली चार वड़ा निकल चुका है और यहाँ पे बन रहा है काली चाय। इसमें दूध डाल देंगे तो हो जाएगी व्हाइट चाय, और मेरे लिए ब्राउन चाय। ब्राउन मुंडे। ओ ब्राउन मुंडे। तो दीदी आप बहुत टाइम लगा रहे हो, बहुत दिखने में तो स्मार्ट लग रहा है, पर जब चटनी वटनी लगा के खाएंगे तो मजा आएगा। तो आपने ये आईडी कैसे लेके आए, मतलब और ब्लॉग स्टार्ट कर दिया और मजा आ गया, तो क्या तुम और अच्छे से बनाओगी ना, तुम मजा।
एक्सक्यूज मी, वड़ा पाव बन गया, पैसे तैयार है ना? तो यहाँ पे दूध बहते हुए सिमरन दी डरते हुए, मुस्कान दी डरते हुए, नीदी दी डरते हुए, गोलू भाई डरते हुए, आरुष जिंदाबाद डरा नहीं मैं। तो यहाँ पे 5-6 वड़ा पाव बन चुके हैं मेरे लिए। वाओ चटनी भी क्या हुआ, मारो लाइट मुंह पे। मुस्कान जी ने बोला लाइट मुंह पे मारो, तो लाइट को मैं लेके आया हूँ और मुंह पे। ओ यहाँ पे क्या कर रहे हो मुस्कान जी? आलू का वड़ा पाव है। मम्मी बहुत अच्छा है, जरूरत है नमक की? मम्मी नमक के बिल्कुल लग रहा है। चलो अभी बाय 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 कर दो, बाय गाइस। अगर आपको अच्छा लगा तो रेसिपी में नीचे कमेंट करना, ठीक है? मैं आपको रेसिपी बाद में बनाऊंगी। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करना मत भूलना।